खबर है प्रयागराज से। अब्बास अंसारी की प्रयागराज जिला कोर्ट में पेशी है आज, और प्रयागराज जिला कोर्ट में पेशी के लिए पहुंच गई है ईडी की टीम। ये ताजा अपडेट प्रयागराज से इस वक्त हमारे पास। पेशी से पहले कॉल्विन अस्पताल में अब्बास अंसारी का मेडिकल परीक्षण हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी की गई है और अब पेशी की जा रही है प्रयागराज की जिला अदालत में सक्षम न्यायाधीश के सामने। वो जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो कि सक्षम है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को सुनने के लिए, वो भी एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ जिसकी गिरफ्तारी हुई है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। तो ये बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से हमारे पास। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, ईडी दफ्तर से लेकर ईडी की टीम पहुंची कॉल्विन अस्पताल, वहां पर लगभग आधे घंटे तक और उससे भी थोड़ा कम समय कहा जाएगा, जिसमें मेडिकल परीक्षण किया गया अब्बास अंसारी का, और उसके बाद अस्पताल से जिला अदालत लेकर पहुंची है टीम और वहां पर पेशी होगी अब अब्बास अंसारी की। बिल्कुल, तो बड़ा अपडेट यही कि ईडी की टीम पहुंच चुकी है। पेशी से पहले कॉल्विन अस्पताल में मेडिकल टेस्ट हुआ है, कल रात भी मेडिकल टेस्ट कराया गया था, ये जानकारी सामने आई थी। तो प्रयागराज जिला कोर्ट में पेशी के लिए ईडी की टीम पहुंच चुकी है। अब्बास अंसारी की पेशी होगी। 2021 का मुख्तार अंसारी का मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ, जिसमें पहले भी एक बार पूछताछ हो चुकी है अब्बास अंसारी से, और फिर से कल रात पूछताछ हुई। 9 घंटे की पूछताछ में सहयोग ना करने पर गिरफ्तारी हुई, और अब गिरफ्तारी के बाद अपडेट यही, प्रयागराज जिला कोर्ट में पेशी होगी। प्रयागराज जिला कोर्ट में पेशी के लिए ईडी की टीम पहुंच चुकी है। इससे पहले कॉल्विन अस्पताल में मेडिकल टेस्ट हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर है प्रयागराज से। प्रयागराज जिला अदालत में ही पेशी हुई है अब्बास अंसारी की। देखिए कैसे मेडिकल परीक्षण के बाद ईडी की टीम लेकर पहुंची है जिला अदालत, और वहीं पर जो सक्षम न्यायाधीश हैं उनके सामने पेश होगा अब अब्बास अंसारी। अब देखना यह है कि जो कस्टडी रिमांड की बात सामने आ रही है, कितने दिनों की कस्टडी रिमांड मांगती है ईडी की टीम और कितने दिनों की कोर्ट के द्वारा दी जाती है, इस पर सबकी निगाहें। अब्बास अंसारी को डिफेंड करने के लिए, अब्बास अंसारी का कोर्ट में पक्ष रखने के लिए कौन से वकील और कितने वकील वहां पर मौजूद रहते हैं, इस पर भी एबीपी गंगा की निगाहें हैं। और हर अपडेट और सारी तस्वीरें हमने आपको अब तक दिखाई हैं। ये सबसे ताजा अपडेट है कि प्रयागराज की जिला अदालत में पेशी के लिए पहुंची है अब्बास अंसारी को लेकर ईडी की टीम। बिल्कुल, तो इस पूरे मामले को लेकर कपिल सिब्बल की जो टीम है वो अभी तक सुनवाई में शामिल होती रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या दिल्ली से ये टीम प्रयागराज पहुंची है, क्योंकि पहले ऐसा जानकारी थी कि लखनऊ पेशी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्रयागराज जिला कोर्ट में ही पेशी होगी अब्बास अंसारी की। तो अब ये देखने वाली बात है कि कितने वकीलों की टीम लगी हुई है, क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार बातचीत भी कर रहे हैं और एक एक अपडेट हमारे दर्शकों तक दे रहे हैं। अपडेट यही है, जिला कोर्ट में, प्रयागराज जिला कोर्ट में अब्बास अंसारी की पेशी होनी है। ईडी की टीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। कोर्ट में क्या कुछ होगा ये भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल पेशी से पहले कॉल्विन अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ और मुख्तार के करीबियों से लगातार पूछताछ चल रही है, और अब्बास अंसारी भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब आपको सीधा हम इस मामले में और ताजा अपडेट्स दिखाते हैं, और ताजा अपडेट्स दिखाने के लिए, बताने के लिए मोहम्मद मोइन इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। मोइन, हम आपको देख पा रहे हैं इस वक्त, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या प्रयागराज की जिला कोर्ट में पेशी हो गई है अब्बास अंसारी की? अगर नहीं तो किन जज साहब के सामने पेशी होगी और क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में ईडी दफ्तर के बाहर, और आपको जानकारी, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा पीछे हो जाएं, मैं बता दूं आपको कि ईडी की टीम जो है वो पुलिस के साथ गई थी प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल। कॉल्विन हॉस्पिटल में विधायक अब्बास अंसारी का मेडिकल कराया गया। तकरीबन 20 मिनट तक ईडी की टीम वहाँ पर मौजूद थी, और जैसे ही अब्बास अंसारी का मेडिकल हुआ उसके बाद ईडी की टीम वहाँ से फिर से रवाना हुई। माना यह जा रहा था कि हॉस्पिटल के बाद ईडी की
टीम सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचेगी, वहां जिला जज की कोर्ट में अब्बास अंसारी को पेश किया जाएगा। लेकिन ईडी की टीम जो है वो चकमा देते हुए वापस फिर अपने दफ्तर आ गई है। अब्बास अंसारी भी उसके साथ हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त अब्बास अंसारी जो है वो ईडी के दफ्तर में है और जो ईडी की गाड़ियां हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। पूरा ईडी का जो दफ्तर है वो एक बार फिर से छावनी में तब्दील है और ये गाड़ियां सफ़ेद कलर की जो गाड़ियां आपको सीधे तौर पर दिख रही हैं वो ईडी के अधिकारियों की गाड़ियां हैं। इन्हीं में से जिस जो बीच की गाड़ी है उसी पे अब्बास अंसारी को बीच में बिठाया गया था। दोनों तरफ पुलिस के लोग बैठे हुए थे और आगे ये गाड़ी स्कॉर्ट करती हुई चल रही थी पुलिस की, और पुलिस की तकरीबन 7 से 8 गाड़ियाँ थी जो है वो। तो अभी जो है यहाँ पर फिलहाल शांति है और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ईडी की टीम कुछ देर के बाद यहां से अब्बास अंसारी को लेकर कोर्ट के लिए रवाना होगी और उसमें अभी वक्त लग सकता है, क्योंकि कोर्ट रवाना होने से पहले ईडी को अब्बास अंसारी की एक बार फिर से मेडिकल जांच करानी थी। तो जो मेडिकल जांच की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई थी, हालांकि उसके बाद सीधे ईडी की टीम को कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन ईडी किन्हीं वजहों से ये वापस अपने दफ्तर आ गई है। अब्बास अंसारी को यहीं पर रखा गया है और अभी कोई हलचल नहीं है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी वक्त होगा, कुछ वक्त के बाद जो है वो ईडी की टीम अब्बास अंसारी को लेकर आगे के लिए रवाना होगी, कोर्ट लेकर के जाएगी। अब देखिए ये जो गाड़ियां हैं, कुछ गाड़ियों का मूवमेंट ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये शायद वो गाड़ियां नहीं हैं जिन जो ईडी की गाड़ियां थी, ये दूसरी गाड़ियां थी जो है। और ये गाड़ियों की मूवमेंट एक बार हलचल ज़रूर हो रही है, लेकिन नहीं, पीछे की जो गाड़ियां हैं वो सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो अब्बास अंसारी एक बार फिर से वापस ईडी के दफ्तर लाया गया है और यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दर्शकों को दिखाएंगे। आप भी नजर बनाकर रखिए। मोइन, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।